हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ सॉफ्ट इडली और उसके साथ साउथ इंडियन स्टाइल चटनी। तो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इडली बनाने के लिए राइस और उड़द दाल ली है। तो गाइस, हमारी फर्स्ट स्टेप में आपको राइस और उड़द दाल लेकर उसे पानी में गलाना है और उसको 5 से 6 घंटे के लिए कवर करके रख देना है। 6 घंटे बाद अब हम इसे चेक करेंगे एक बार। अब इसे अच्छे से ग्राइंडर में पीस लो। एक बार इसको चेक करो और फिर वापस से पीसो और उसके बाद आपका बैटर रेडी। अब इसको एक बीकर में निकाल लो और इसमें 3 चम्मच छाछ मिला दो या दही, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब दही या छाछ जो भी अवेलेबल हो वो लो और 3 चम्मच ऐड कर लो। जब ये बैटर प्रॉपरली सेट हो जाएगा ना, तब देखना इसका लुक कितना अच्छा आया है। अगर आप नमक ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रहता है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसे कवर कर दो जब तक कि ये बैटर फूलने लग जाए। हमारा बैटर रेडी है। अब हम लेंगे इडली मेकर और उसके नीचे की फर्स्ट लेयर तक उसमें फिल कर देंगे पानी और उसको रख देंगे गैस पर। अब सारी इडली प्लेट्स पर हमें ऑयल अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं सारी इडली प्लेट्स पर ऑयल अप्लाई हो चुका है। अब हम इसमें फिल करेंगे इडली का बैटर। अगर आपको लगता है कि बैटर प्रॉपर नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी सूजी या चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। हमें एक एक करके इडली का बैटर अप्लाई करना है सारे सेक्शंस पर, धीरे धीरे, ज़्यादा जल्दी नहीं करना है वरना ये ढुल जाएगा। सब सेक्शंस फिल हो चुके हैं। अब हम इसे रख देंगे इडली मेकर में जो कि है गैस पर। इसको ढक्कन से कर देंगे कवर। तो ये देखिए, हमारी इडली रेडी है। अब हम बनाएंगे चटनी, जिसके लिए हमने लिए हैं चने, कोकोनट यानी कि खोपरा। अब हम लेंगे नीम, 2 मिर्ची, हरी मिर्ची, कोकोनट को कर देंगे पीसेस में कट और सबको डाल देंगे मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में। अब हम इसमें डालेंगे जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा पानी और बना लेंगे इसका एक पेस्ट। पानी ऐड करके इसको कवर करके इसे पीस लो। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे एक बाउल में। अब मैंने यहाँ पर एक ली है कढ़ाई और उसको गर्म होने के बाद उसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच ऑयल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राई, उसके बाद नीम की पत्तियाँ, नीम लीव्स। अब हम इस बघार को यानी कि डिप को ऐड कर देंगे हमारी चटनी में और ये हमारी चटनी भी अब रेडी हो चुकी है। सो एंजॉय द साउथ इंडियन डिश एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।